इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे को करंट लगने के कारण मौत हो गई। करंट लगने के बाद पूरे मामले की सूचना जब परिचितों को लगी तो परिचित बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने कंपनी संचालक के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना था कि सावे रोड की दवा फैक्ट्री में 14 वर्षीय बच्चा राजा काम करता था और रोजाना की तरह आज भी वह काम करने के लिए गया था, लेकिन जिस फैक्ट्री में वह काम करता था उस फैक्ट्री में तार खुले हुए थे जिसके कारण वह उसकी चपेट में आ गया। 14 वर्षीय बच्चे की घटना सामने आने के बाद फैक्ट्री संचालक वहां पर मौजूद अन्य लोग इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, वहां पे कंपनी के अंदर हम काम कर रहे थे, हाँ, तो अचानक यानी कि उसमें वायर में तार में करंट ये था यानी फॉल्ट, हाँ, तो बच्चे ने सरिया खींचा वैसे यानी कि उसको करंट पकड़ लिया। अच्छा, कुछ गीला था नीचे और करंट एकदम ये भी हो गया। कितने उम्र है बच्चे की? दो मिनट, वो उम्र तो अपने को नहीं मालूम सर। हाँ, इसमें लिखा है। हाँ, कितना क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का राजा सूर्यवंशी। तो क्या कामकाज करता था क्या ये? हाँ, काम करता था, वहाँ पे काम करता था। 14 साल बच्चे की उम्र बता रहे हैं? नहीं नहीं, 20 साल। 14 साल। कहाँ का रहने वाला था ये? ये बैतूल जिले का। और यहाँ इंदौर में कहाँ रह रहा था ये? इंदौर में, इधर ये। अच्छा, ये मृतक का नाम है राजा पिता उत्तम सूर्यवंशी, उम्र करीब 14 साल, और मुलताई जिला बैतूल का रहने वाला है। ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कल कि बच्चे की फैक्ट्री में करंट लगने से मौत हो गई, तो अभी इसकी जांच की जा रही है। बाकी प्राथमिक जांच में ऐसा पता चला है कि ये घर पर घूमने के लिए आया था, इंदौर 2-4-8 दिन के लिए बोलकर आया था, जो कि यहाँ अपनी मर्जी से काम कर रहा था फैक्ट्री।